दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपने HPNS कॉइन को यानी कि हैप्पीनेस कॉइन को कैसे मार्केट में स्टैकिंग लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं हूं महापात्र, आप सभी की स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अभी अपनी फ़ोन की प्ले स्टोर पे, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगी ट्रॉनलिंक प्रो, जिसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसी वॉलेट है। आप अगर HPNS में काम कर रहे हैं तो इस वॉलेट में, क्योंकि ट्रॉन की प्लेटफॉर्म में काम करती है, तो आपको ये ट्रॉनलिंक प्रो की वॉलेट की ज़रूरत होगी और इसको प्ले स्टोर में मिलेगा। अब मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। आपको भी HPNS स्टॉक करने के लिए ये वॉलेट की ज़रूरत होगी, और ख़ास करके ये HPNS के लिए ही नहीं, इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी कॉइन आप रख सकते हैं। इसमें है जैसे डॉलर है और ट्रॉन तो है ही है, इसमें HPNS है, इस तरह का आपने कोई भी आपके पास कॉइन अगर है तो इस वॉलेट बहुत सेफ है और सिक्योर है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसका पेज आपको दिखाई दिया स्टार्टिंग, इसमें मुझे अकाउंट अभी नहीं है, ये बिल्कुल नया अकाउंट है, तो इसमें मुझे क्रिएट अकाउंट करना होगा जैसे आप लोगों को भी करना होगा। तो इसमें चलते, क्रिएट अकाउंट करते समय यहाँ पर एक एग्रीमेंट आती है, यूज़र एग्रीमेंट, तो इसको जो है आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस तरह के एक्सेप्ट हो गया। आप इस वॉलेट का कोई एक नाम रखना पड़ेगा, जिस तरह का आप नाम चाहते हैं, जो आपको याद रहे। ये वॉलेट की नेम क्रिएट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर बोल रहा है कि सेट पासवर्ड, तो ये पासवर्ड कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। दोबारा यहाँ पर कन्फर्मेशन मांग रहा है पासवर्ड के लिए, तो ये मेरा क्रिएट हो गया पासवर्ड। कोई कारण से पासवर्ड यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है, इट मीन्स कुछ गलत है। ये पासवर्ड आपको ऐसा आप रखिए जिसमें आपको कैपिटल में कोई वर्ड भी हो और किसी भी तरह का सिंबल हो और कुछ नंबर हो, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब लगता है ये क्रिएट हो चुकी है, बिल्कुल ये क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये बैकअप नाउ बोल रहा है, तो इसको आप करते जाइए। इस तरह से आपको बैकअप नाउ करना है, ये बैकअप मांग रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर गॉट इट जो आया है, प्लीज डोंट टेक स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट नहीं लेता है क्योंकि ये कुछ आपका कन्फर्मेशन नंबर है और ये मेना मनी की इसमें वर्ड्स आपको देता है। इस वर्ड्स को आपको लाइफ टाइम रखना होगा, जब तक आप इस वॉलेट को यूज़ करेंगे तब तक इसको आपको लाइफ टाइम रखना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं होता है, आप इसको दूसरा किसी मोबाइल से फ़ोटो ले लीजिए, अदरवाइज जो है आप ये सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए अपनी कोई कॉपी में, जो लाइफ टाइम आपको रखना होगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो थोड़ा खींच लेती हूँ इसका। अब ये मुझे यहाँ पर आई हैव सेव इज सिक्योरली, यहाँ पर जो देते हैं इसको ओके करना है। ये आपने सेव कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मांगेगा कि आप वॉलेट को क्रिएट करते समय आपका कुछ नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर में आपकी कौन सी वर्ड थी, तो 7 नंबर में मेरा जो वर्ड है वो मुझे देना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जब भी करेंगे तो एक और नंबर आ गई, 12th में क्या है, तो ये मुझे देकर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा और ये ओके हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉन वॉलेट बिल्कुल आपकी हो चुका है और इसमें आपकी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर जो अभी आपको TRX देख रहा है, ये इट मीन्स अभी यहाँ पर कोई इस वॉलेट में कोई अमाउंट नहीं है, ये अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, ये TRX का है। इसी से ही आपको जो है हैप्पीनेस कॉइन इसमें स्टॉक हो जाएगी, स्टोर कर सकते हैं आपने, और इसी से ही जो है आप स्टेकिंग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम सब जानते भी हैं कि ये हैप्पीनेस ट्रॉन का ही प्लेटफॉर्म में काम करते हैं और शुरुआती दौर पे यहाँ से हम लोग इसमें स्टैकिंग लगा सकते हैं, फिर यहाँ से आप विड्रॉ करके आप किसी भी एक्सचेंज में लेकर सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वॉलेट में, ये तो TRX की वॉलेट हो गया मेन, अब इस वॉलेट में आप कोई भी कॉइन को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब ये पॉकेट के अंदर आपको दूसरा पॉकेट क्रिएट करना है तभी आप उस टोकन को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस है इसके पास देखिए प्लस का छोटा सा साइन है, इसको मुझे ऐड करना है यानी कि क्लिक करना है।
तो अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर है एसेट्स मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट में हम सर्च की जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर जाकर मुझे अभी खोजना है HPNS, तो मैं यहाँ पर HPNS टाइप करती हूँ। तो ये देखिए HPNS आ चुका है। अब ये HPNS वॉलेट को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको अभी क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल ये मेरी क्लिक करते हैं, तो इसमें इधर है ऐड का साइन, तो इसको जैसे हम ऐड करते हैं ये मेरी HPNS की वॉलेट क्रिएट हो गया। आप इसको फ्रंट में ले चलते हैं। देखिए फ्रंट में आपको TRX की पास नीचे TRX USDT है, उसके नीचे आपकी ये HPNS आ गया। अब दोस्तों आपको जब HPNS कॉइन परचेस करना होगा, स्टैकिंग में लगाना होगा, जब आपके पास कॉइन आ जाएगी तो आपको यहाँ पर कुछ TRX रखना होगा, क्योंकि TRX वॉलेट जो है किसी भी कॉइन को काम करने देते हैं अपना प्लेटफॉर्म में, तो एक चार्जेस लेती है। तो ऑब्वियसली इसके दुकान में आप और कोई चीज़ को रखेंगे तो कोई भी तो अपना उसका कॉस्ट ले गए। तो इसी तरह से ट्रॉन भी वॉलेट जो है इसकी वॉलेट में और कुछ वर्क करने के लिए कुछ चार्ज लेती है, तो आपको हमेशा जो है विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए 10-20 TRX हमेशा इसमें आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से आपके HPNS कॉइन क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों आपको HPNS अगर स्टैकिंग में लगाना है तो आप इसको कैसे स्टैकिंग में लगाएंगे? इसको लगाना जैसे यहाँ पर HPNS आपको स्टार्टिंग में है, आपका 3 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मुझे HPNS में जाना है तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है मार्केट है, एसेट्स है, डिस्कवर है, माई है, तो आपको डिस्कवर को क्लिक करना है। तो ये डिस्कवर को क्लिक किए हैं, ऊपर में डिस्कवर के पास देखिए एक डेप बोल के सर्च बॉक्स है, वहाँ पर डेप पे जाकर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आप जब HPNS परचेस करेंगे जिनके थ्रू उनके तरफ से आपको एक लिंक मिलेगी, तो यहाँ पर जाके लिंक को पेस्ट कर देना है। अभी मेरे पास ये लिंक अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पर HPNS क्लब को लिख देती हूँ। ऊपर में मैंने टाइप करती हूँ HPNS क्लब, तो HPNS.club जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप करती हूँ तो देखिए यहाँ पर HPNS की पूरा पेज यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर आपको जाकर यहाँ पर आपकी जब भी आपके पास HPNS अमाउंट आ जाएगा तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर जाकर स्टैकिंग में लगा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ, जैसे HPNS कॉइन है इसका 51.51 करोड़ जो है इसका टोटल सर्कुलेशन है, तो ये ऊपर में इसका मेंशन भी किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आपकी HPNS कॉइन आ जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जहाँ ज्वाइन नीचे बॉक्स दिया हुआ है HPNS, वहाँ पर देखिए इसके नीचे दिया हुआ है स्टैक, ये स्टैक को क्लिक करने से आपकी HPNS कॉइन जो है स्टैकिंग में लग जाती है। आप दोस्तों जो है हम लोग स्टैकिंग यहाँ से सीख चुके हैं, अभी जब आपके पास कॉइन आएगी तो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से स्टैकिंग लगा सकते हैं। अब स्टैकिंग लगाने के बाद आप नीचे नीचे जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टैकिंग लगा है कि नहीं, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप किसी को जब आपने लिंक को शेयर करेंगे नेक्स्ट, जब आपने लेवल बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ योर एड्रेस, तो आपने योर एड्रेस को कॉपी कर लेंगे तो ये आपकी एड्रेस हो जाएगी। तो आप किसी को इसको शेयर कर सकते हैं, इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ से एड्रेस निकाल के किसी को और शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक आप लोगों को शायद क्लियर हुआ है, और अगर कुछ बाकी रह गया, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रयास करेंगे इससे बेहतर आपको बताने के लिए। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।